वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल राइडर्स। तो फाइनली आज का जो वीडियो होने वाला वो होने वाला है इन फॉग लाइट्स पे, कि ये फॉग लाइट्स का कनेक्शन मैंने कहाँ से दिया है और किस टाइप से इंस्टॉलेशन हुआ है इन लाइट्स का, तो सारा कुछ मैं आने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो को, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली देख लीजिए, यहाँ पे पत्तियाँ लगी हुई हैं जो कि डिग्गी वगैरह लगाने में यूज होती हैं, उन्हीं को मैंने सीधा करके यहाँ पे लगा दिया है मिरर वाले नेट में, और इसी में ही मैंने अपना मोबाइल होल्डर भी सेट कर लिया है। तो देख सकते हैं ये लाइट्स, बाकी सारे ये जो नेट वगैरह हैं वो सब आपको लाइट के साथ ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है यहाँ, और इनका वायर जो है ये देख लीजिए, इसका वायर है और ये वायर आगे से होते हुए ये देख लीजिए, ये जो वायर है ये यहाँ से निकला है पूरा ऊपर से, यहाँ से निकलता हुआ और इधर ही अंदर अंदर यहाँ पे निकाला है मैंने। और ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका एक स्विच भी लगा दिया है, ये देख लीजिए। इससे क्या है, अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँगा तो लाइट्स यहाँ पे ऑन नहीं हो सकती। अब जैसे अभी ऑन कर दिया मैंने तो ये ऑन है, अब मैं यहाँ से अगर बंद कर दूँ इस स्विच से तो यहाँ पे लाइट नहीं जलेंगी। अब ये मैंने इसलिए लगवाया, अगर मान लीजिए मैंने कहीं रोड की साइड में बाइक को पार्क कर दिया है और अब लाइट, अब कोई बच्चा है या कोई भी बड़ा है जो अगर इसमें ऐसे ऑन कर देगा लाइट को, तो लाइट जलने लगेगी और मेरी बैटरी लो हो सकती है और फिर मैं स्टार्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे स्विच इसलिए इंस्टॉल करा लिया कि अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा तो यहाँ से कोई ऑन नहीं कर सकता है, तो ये उससे मेरी बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डाउन भी नहीं होगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देख लीजिए, ये जो वायर आया हुआ है वो डायरेक्टली बैटरी से अटैच है, यहाँ पे कोई कपलर से अटैच नहीं हो रहा था तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से बैटरी से अटैच कर दिया है और इजीली यहीं से ये इसकी वायरिंग जो है टोटल, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे अंदर ही अंदर सारी वायरिंग हो गई है इसकी। और ये बस ये वायर जो है वो उसका स्विच का है जो कि अंदर ही लगी है, और जैसे ही अपना यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है उसके बाद ये स्विच दिखता भी नहीं है कहाँ लगा हुआ है। तो इससे प्रॉफिट ये है कि आपकी बैटरी एक तो नहीं होगी, और अगर आप कहीं भी, यहाँ पे मोबाइल चार्जर का भी मैंने इसी बटन से कनेक्शन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बटन बंद कर दूँगा तो यहाँ पे कोई फ़ोन चार्ज नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने ऐसे खड़ी कर दी बाइक तो कोई भी अपना डाटा केबल लगा के इसमें फ़ोन चार्ज करने लगे तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होने वाला। मैं अगर वहाँ से बंद कर दूँगा और वो बटन दिखता भी नहीं है किसी को, तो अगर मैं वहाँ से बंद कर दूँगा तो यहाँ पे कोई भी लगा नहीं सकता है। तो ओवरऑल यही था एक आपको दिखाना था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।